दोस्तों, नेचर्स ब्यूटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको साबूदाना की पकौड़ी बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। मैं आज बिना प्याज और लहसुन के बना रही हूँ, तो आप इसे फलाहार में भी खा सकते हो। जब आप फास्ट वगैरह रखते हो तब भी आप खा सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो और दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने एक बॉयल आलू लिया है, उसको मैंने हाथ से तोड़ दिया है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, एक कटोरी भींगी हुई साबूदाना, उसको मैंने रात में 4 से 5 घंटे पहले भिंगो के इसका पानी ड्रेन कर लिया तो सूखा हो गया है। और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा बेसन, हरी मिर्ची और कुटी हुई आपकी मूंगफली है और थोड़ा सा गरम मसाला। आप अगर फास्ट वगैरह में नहीं खा रहे हो तो आप बारीक कटा हुआ प्याज भी ले सकते हो, पर मैं आज बिना प्याज का दिखा रही हूँ जिससे आप अपने फास्ट में आप खा सकोगे। और बेसन अगर आप फलाहार में फास्टिंग में नहीं खाते हो तो आप स्कीप कर सकते हो, उसकी जगह पे आप सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एक कटोरी साबूदाना और आलू को हाथ से मैश करके डाला है। थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच और आपका हरा धनिया, थोड़ा सा आपका बादाम, अब भुना हुआ बेसन। आप अगर फास्ट में खा रहे हो तो बेसन को आप स्कीप कर सकते हो, उसकी जगह पे आप कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा भी यूज़ कर सकते हो। बेसन डालने से क्या होता है कि वो काफ़ी अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है और काफ़ी अच्छा सा करारा करारा पकौड़ा बनता है। आप अगर चाहो तो इसमें आप बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हो। अगर आप फास्ट में नहीं खा रहे हो तो आप प्याज यूज़ कर लो, अगर आप फास्ट में खाते हो तो प्याज को स्कीप कर दीजिए। हाँ, आलू मैंने हाथ से तोड़ के डाला। आप अगर आलू वैसे नहीं खाना चाहते तो आप ग्रेटर से भी आलू को ग्रेट करके डाल सकते हैं। मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। साइड में मैंने तेल को भी गरम होने के लिए रखा है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मेरा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसे हाथों की मदद से गोल गोल शेप दूंगी। आप चाहो तो बड़ा पकौड़ा बना लो या थोड़ा सा जैसा आपका शेप पसंद है आप वैसे खा सकते हो। साइड से थोड़ा सा इसको आप हाथ में ऐसे ऐसे टच कर लो। यहाँ तेल गर्म है, मैं एक एक करके उसमें डालती जाऊंगी। ये पकौड़ा वगैरह काफ़ी टमी फिलर होता है, तो इसलिए आप 3 से 4 पकौड़ा खा लोगे तो आपका पेट काफ़ी फुल हो जाएगा, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। मैंने इसे पलट दिया है। अब इसको मैं धीरे धीरे आंच पे, मीडियम आंच पे इसे थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक तलूंगी। मैं इसे मीडियम आंच पे तलूंगी। तलने से क्या होगा कि पकोड़े अंदर तक सिकेंगे, वरना आप हाई फ्लेम पे पकोड़ों को तलेंगे तो क्या होगा, अंदर से वो साबुदाना थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप ऑलवेज पकोड़ों को मीडियम आंच में ही तलिएगा। आप अगर फास्ट वगैरह में खा रहे हैं तो हरी धनिया पत्ते की चटनी के साथ खा लीजिए, और अगर आप ऐसे नॉर्मल भी खा रहे हैं तो आप केचप के साथ खाएं, जो आपको पसंद हो आप खा सकते हैं इसके साथ। मेरी साबूदाना की पकौड़ी बनके तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।